अमल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, तो मैं पता नहीं लग रहा हुआ हमारे दुश्मन मल के सब कुछ इंडिया कर रहा है। ओ सर, मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मुझे लॉजिक तो तुम लोग क्यों इंडिया इंडिया कर रहे हैं? दुनिया में तो और भी मल के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जवाब जो दिया होगा वो हमें भी अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया भी रहेगा। पाकिस्तान टूटे टूटे हो गया ना, तो इंडिया को भी हम टूटे टूटे करके दिखा। आपने मोदी को बॉस कहा था, दी बॉस कहा था। तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। ये कनाडा का राहुल गांधी है, जस्टिन ट्रूडो, एक प्राइम मिनिस्टर की गोद में खेल के बड़ा हुआ, पावर कॉरिडोर्स में खेला और टोटली एक डायनास्टिक पॉलिटिक का शाहकार है जस्टिन ट्रूडो। जो भारत के क्या नाम है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्या नाम है इसका, ये जो इंटरफेरेंस का मसला है ना, ठीक है जी, ये इसका ताल्लुक बेसिकली एक समझिए वोट बैंक पॉलिटिक्स से कनाडा के अंदर। इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा, इंडिया हमसे खाता है, हर मुल्क हमसे खाता है। तुम ये बोलो कि इंडिया से मच खा रहे, तुम किस, तुम क्या इंडिया इंडिया खा रहे? मेरे पास इंडिया को क्या दे रहा है? जस्टिन ट्रूडो जरा अपने आप को मोदी जी के मुकाबले पे रखे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इतने ऊंचे कद का मोदी जी और एक बुना ट्रूडो, औकात नहीं है इसकी इतनी बात करने की। और ऐसे में पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बुरे ताल्लुकात में समझता हूँ, कोई डिस्कशन नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाफ बैठा हुआ है, इंडियन हाई कमीशन भी इस्लामाबाद में है, पाकिस्तानी हाई कमीशन भी दिल्ली में है, एक इंगेजमेंट है, उनको बुलाया जाता है फंक्शंस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। कनाडा और भारत के रिश्ते धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। पहले दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर बात हो रही थी उसे कैंसिल किया गया। उसके बाद कनाडा की तरफ से भारत के जो शीर्ष डिप्लोमेट हैं उनको कनाडा छोड़ने के बारे में कनाडा की सरकार के द्वारा कहा गया। उसके बाद भारत ने भी वैसा ही कदम उठाया। इसके अलावा हमने देखा है कि दोनों देशों ने अपने अपने लोगों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है एक दूसरे देश के लिए कि आपको यात्रा करते समय ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे स्टेप लिए जा रहे हैं जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो एक और नई वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पैसे पैसे के लिए सिख ग्रुप आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं क्योंकि इतनी सारी सिख ऑर्गेनाइजेशन है। माल बनाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने 50 ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। अब उनके आपस में झगड़े हो रहे हैं कि इसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, ये वो चीजें सब गोल करके इंडिया पे इल्जाम लगा रहे। तो अजीज दोस्तों, कनाडा इज नथिंग बट ए बनाना रिपब्लिक, इट इज़ बिकमिंग ए बनाना रिपब्लिक। पाकिस्तान का कनाडा पे एक छाप लगी हुई है, पाकिस्तान का कनाडा के ऊपर पूरा असर आ गया है। वो पाकिस्तानियों ने अपना जो पाकिस्तान में माहौल था वही कनाडा में बनाना शुरू कर दिया है। और इस टाइप के जस्टिन ट्रूडो जैसे प्लेबॉय कॉमेडियन अगर बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जस्टिन ट्रूडो की कोई इंटरनेशनल लाइकिंग भी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो जरा अपने आप को मोदी जी के मुकाबले पे रखे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक इतने ऊंचे कद का मोदी जी और एक बुना ट्रूडो, औकात नहीं है इसकी इतनी बात करने की। और ऐसे में पाकिस्तान को मौका मिल गया। पाकिस्तान इसकी खबर ऐसे लगा रहा है कि मैं हैरान हूं कि यार इन लोगों को भी देखें। ये एक तो ये है जगमीत, ये कैनेडा की पार्लियामेंट का मेंबर, खालिस्तानियों का माई बाप, इसने भी कहा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं नरेंद्र मोदी को, मैं जस्टिस के सामने लेके आऊंगा फलान रुकाना। अरे तेरी औकात नहीं है कोई, तेरी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यूज़पेपर ने, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट है जो जंग का, मुर्तुजा अली शाह ने ऐसी खबर लगाई है कि कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मलिनी जोली कंफर्म करती है कि खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह नजर कनाडा में इंडिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट सिख ने करवाया है, रो के बॉस को कनाडा छोड़ने का हुक्म। ये पाकिस्तान न्यूज दे रहे, और वो जो जिसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि वो आदमी है, औरत है, इंसान है, गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, बिलावल भुट्टो जिसके सिंध में रोज हजारों आदमी भूख से और प्यास से मर रहे हैं, जिसकी खानदान की जुल्म बर्बरियत की मिसालें मौजूद हैं, लाखों लोगों का कत्ल इसके नाना के ऊपर, इसकी माँ के ऊपर और इसके ऊपर है। इन लोगों ने जब भी इनको मौका मिला है गवर्नमेंट करने का, इन लोगों ने बंगालियों का, बलोचों का, पख्तूनों का, सिंधियों का,
मुहाजिरों का, सिंधियों का छोड़ के बाकी मुहाजिरों का कत्लेआम किया। 25,000 मुहाजिर इसकी माँ ने मार दिए थे। ये उछल के निकल आया पड़ा, इंडिया इज ए रोग टेररिस्ट हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट स्टेट। अगर इस वक्त मोदी जी कह देना कि पाकिस्तान रोग टेररिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, तो पूरी दुनिया का मीडिया खड़ा हो जाएगा। हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म रोग स्टेट तो बोलना आम चीज़ हो गई है, इस्लाम के बारे में नहीं कह सकते, जो कि एक्चुअली रोग टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म की जिंदा मिसाल है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए और हम कनाडा के साथ खड़े। अबे तुम लोगों की औकात क्या है तुम कनाडा के साथ खड़े होगे? तुम लोगों के भिखारियों औकात क्या है? तुम लोगों की 2% की हैसियत नहीं है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? तो अजीज दोस्तों, नथिंग, कनाडा ने अपनी शामत को दावत दी है। अब ये अगली सरकार कोई आएगी ना, उसके लिए इन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बहुत मसला होगा, क्योंकि इस बार इंडिया को आप हल्का ना लें। इंडिया इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसकी, और आप उसको हल्का ना लें, इंडिया तो अब आपको बहुत दूर तक छोड़ के आएगा। हर लिहाज से कनाडा एक मोहताज मुल्क है। कनाडा की अपनी कोई खास प्रोडक्शन नहीं है, कनाडा इंटरनेशनल इकोनॉमी में कोई बड़ा नाम नहीं रखता, सिर्फ गोरों का मुल्क है और अमेरिका से अटैच्ड है। वरना कनाडा की दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है कि इकोनॉमिक लेवल पे? इंडिया है आज। मुसलमान मुल्कों की तरह कनाडा भी इंतज़ार कर रहा था कि कब वैक्सीन बने और हम बचें। कनाडा कुछ नहीं करता। तो अजीज दोस्तों, नुकसानदेह कनाडा के लिए है, भारत के लिए कुछ भी नुकसानदेह नहीं है, और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि इस टाइप के कामों में, डिप्लोमेसी में, लॉबिंग में, इंटरनेशनल बदमाशियों में, इन चीज़ों में भारत को थोड़ा बहुत पाकिस्तान से सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों में बड़ा माहिर है, टेररिज्म करने में, बैरून मुल्क कत्लेआम करने में। पकड़े गए ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी पकड़ा जाता है जिसको सुपारी दी थी अहमद वकास गोराया को मारने की हॉलैंड में। पाकिस्तान ने साजिद हुसैन को स्वीडन में मरवा दिया। पाकिस्तान इन चीज़ों में माहिर है। फिर लॉबिंग में, ये लॉबिंग का ही नतीजा है ना। भारत के भी तो इतने इंडियन रहते हैं कनाडा में, उनकी लॉबिंग में वो दम नहीं है। अजीज दोस्तों, एंड पे एक छोटी सी खबर ये आपके साथ सीबीके न्यूज़ ने लगाई है कि जस्टिन ट्रूडो अभी G20 की कॉन्फ्रेंस के लिए आया था भारत, तो वापसी में सब चले गए थे, इसको रोक लिया गया था। बहाना ये बताया गया था कि इसका जहाज़ ख़राब हो गया, दूसरा जहाज आ रहा है। लेकिन ये सीबीके न्यूज़ लिख रहा है कि एक्चुअल में जस्टिन ट्रूडो के डेलीगेशन में एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा ड्रग्स निकली थी, इसलिए उनको रोका गया था कि ये अब वो इंडिया नहीं है जहाँ सब चलता था। और फिर ज़ाहिर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, तो चुपचाप उसको बाद में जस्टिन ट्रूडो को रवाना कर दिया गया। लेकिन शायद इसके पीछे, डिले होने के पीछे ये कहानी थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें, तो जैसा कि आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कनाडा के अंदर के और भारत के जो आपसी रिश्ते हैं वो किस प्रकार से ख़राब यहाँ पर हो चुके हैं। कनाडा और भारत के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब वो भी बिल्कुल आप ये कह लीजिए कि ख़त्म ही हो चुकी है। अब उस पर आगे कोई बातचीत फ़िलहाल तो नहीं होने वाली है। इसके अलावा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ के पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस प्रकार के इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाए हैं, उसके बाद भारत की तरफ से भी उनको रिप्लाई दिया गया। फिर कनाडा ने एक कदम उठाया कि जो शीर्ष डिप्लोमेट है उनको बर्खास्त कर दिया गया। फिर भारत सरकार की तरफ से भी वही कदम उठाया गया, जो कनाडा के शीर्ष डिप्लोमेट थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको बुलाया गया फौरन जो विदेश मंत्रालय है वहाँ पर। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो कनाडा के राजदूत थे वो जब बाहर निकले, 4 मिनट के अंदर ही वो गए थे और 4 मिनट के अंदर ही वापस बाहर आ गए, और उनको ज़बरदस्त फटकार लगाई गई। और जब रिपोर्टर उनसे सवाल कर रहे थे तो किस प्रकार से उनका रिएक्शन था, वो वीडियो क्लिप आपने भी देखी होगी। इसके अलावा हमने देखा है कि कई सारे जो अभी हम एक चीज़ और आप अभी देख सकते हो ट्रेंडिंग में चल रही है कि जो कनाडाई मूल के जो सिंगर हैं शुभ, उनका एक प्रोग्राम होने वाला था मुंबई के अंदर,
वो भी कैंसिल हो गया है। उसकी जो उसको जो स्पॉन्सर कर रही थी बोट कंपनी, उसने अपनी स्पॉन्सर वापस ले ली, और कहीं ना कहीं जो उसने भी खालिस्तान का समर्थन किया था। तो ये सारे विरोध जो है हो रहे हैं। इसके अलावा कनाडा की सरकार ने भारत को लेकर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि आपको जो कनाडा के नागरिक है वो भारत में अगर रह रहे घूम रहे हैं या जाने वाले हैं तो सावधानी बरते। उसके बाद भारत की तरफ से भी कनाडा को लेकर ऐसी ही एक ट्रैवल एडवाइजरी आ गई। तो कुल मिलाकर जो कनाडा है वो लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिसकी वजह से भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एक पॉलिटिकल मूव है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को पावर में रहने के लिए ऐसे कदम उठाना ज़रूरी है, तभी जो लोग जिन लोगों को वो बचा रहे हैं, जो लोग उसके साथ में हैं, उनके वोट उसको मिलेंगे ताकि वो सत्ता में रह सके। इसके अलावा इसके पीछे कोई भी रीज़न अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।